हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की है, जो बहुत ही जल्दी बन जाता है और कुछ भी मेहनत नहीं लगती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो गाजर ली थी, उसको अच्छे से धो लिया है। उसको हमने कपड़े से पोंछ कर उसको घिस लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम घिसी हुई गाजर को डालेंगे, सारी गाजर को डाल देंगे। हमने आधा किलो गाजर ली है, उसी हिसाब से हलवा बना रहे हैं। और उसको अच्छे से हम जो है मीडियम आंच पर भुनने के लिए रखेंगे, सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। और इसको हम अच्छे से ढक देंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। इस तरह से ढकने के बाद जब ढक्कन खोलेंगे, इस तरह से इसका थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा, निकल जाएगा। और उसको हमको एकदम ड्राई कर लेना है, इसका हमको जो पानी है वो एकदम सुखा लेना है। और जब इसमें ही तब दूध डालना है। देखिए अब अच्छे से पानी सूख गया है। अब इसमें हम 250 ग्राम दूध डालेंगे। हमने आधा किलो गाजर लिए, तो इसमें हम 250 ग्राम दूध डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे और इसको अब फिर हम कुक करने के लिए रख देंगे। अब पहले हमने 5 से 6 मिनट तक पकाया था, अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक गाजर गल नहीं जाती है और जितना भी दूध है और जो पानी है गाजर का निकलेगा वो सब एकदम सूख नहीं जाएगा। इसको हम ढक देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। 10 से 12 मिनट लगेंगे पकने में, बहुत ही अच्छे से जब ये पक जाएगी, जब इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी होती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है बनाने में। और हम इस ढक्कन जो खोलेंगे, तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें दूध रह गया, इसको भी हम भून लेंगे। फ्लेम हमने लो कर दिया है थोड़ा सा, और इसको हम भून लेंगे। जितना गाजर अच्छे से भुनेगी उतना ही अच्छा गाजर के हलवे का टेस्ट आएगा। फिर हम इसको बंद कर देंगे, 3 से 4 मिनट तक हम फिर इसको पकाएंगे। अभी थोड़ी सी गाजर गली नहीं थी, गाजर में हल्का सा कच्चापन था। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट पकाया और ढक्कन खोलेंगे, तो देखिए इस तरह से गाजर भी सॉफ्ट हो गई है, पक गई है और हल्का सा इसमें मॉइस्चर रह गया है। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो घी स्किप भी कर सकते हैं। और हम इसमें इतनी शक्कर नहीं डालेंगे, ये 150 ग्राम थी, हमने इसमें 100 ग्राम शक्कर डाली है। और उसको अच्छे से हम मिला लेंगे। जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, तो जो शुगर शुगर अपना का पानी पानी निकलेगा उसको भी छोड़ेगी हमें भूनना है अच्छे से, और उसके बाद ही गाजर का हलवा तैयार होगा। बस अब हम इसको भूनते रहेंगे अच्छे से। इतना देखिए पानी शुगर का निकल चुका है, और अच्छे से इसको हमें भून के ड्राई कर देना है। फ्लेम हमने हाई कर दी है और अच्छे से हमको इसको भून लेना है। इस गाजर के हलवे में आधा घंटा लगता है, आधे घंटे में बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से हमको हलवे को भून लेना है। हल्का सा जब इसमें मॉइस्चर रह जाएगा, जब इसमें हम मावा लेंगे और उसको घिस देंगे, थोड़ा सा मावा हम घिसेंगे और फिर इसको घिस कर मिला देंगे। मावा अच्छे से हमने घिस दिया है, थोड़ा अभी डालेंगे थोड़ा बाद में डालेंगे। और डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फ्लेम हमको हाई रखना है और अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं। बस इस तरह से हमको भूनना है। देखिए गाजर का हलवा बनकर तैयार है, हल्का सा मॉइस्चर है, ये जब ड्राई होगा तब बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसमें हम मावा डालेंगे और गाजर का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना था, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बनता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। आप इसको 15 से 20 दिन रखकर फ्रिज में खा भी सकते हैं, क्योंकि इसको हमने अच्छे से भूना है तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, रेसिपी बहुत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस हलवे को तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। और वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना